हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है सोनू चौहान और आप देख रहे हैं अनकूल टेक्निकल चैनल। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए तीन एंड्रॉइड सेटिंग लेके आया हूँ जो कि तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट सेटिंग है। तो दोस्तों मेरे वीडियो का आप स्किप मत कीजिएगा, पूरा फुल वीडियो देखिएगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा ना लगे तो मेरे वीडियो को आप डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर जाइएगा। तो चलिए बता दो फर्स्ट सेटिंग कौन सा है। तो आपको मोबाइल सेटिंग ऑन करना पड़ेगा। मोबाइल सेटिंग ऑन करने के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एडवांस फीचर, ठीक है, इसको अपन ओपन करना है। ठीक है, ओपन करने के बाद आपको फर्स्ट नंबर पर दिख रहा होगा ऑन हैंडेड ऑपरेशन, ठीक है, इसको आपको ऑन करना है। उसके बाद से यहाँ नीचे लिख रहा है रिड्यूज स्क्रीन साइज, ठीक है, आप इसको ऑन कर लीजिएगा इसलिए कि ये ऑफ रहता है। ठीक है, इससे आपको यह फ़ायदा होगा कि आप अपने स्क्रीन को आप छोटा करके चला सकते हैं। तो छोटा करके चलाने के लिए बैक हो जाइए, पूरा फुल बैक हो जाइए। बैक होने के बाद आपको तीन बार होम बटन दबाना है, ठीक है। तो चलिए मैं दबाता हूँ तीन बार होम बटन। तीन बार होम बटन दबाने के बाद देखिए दोस्तों मेरा स्क्रीन जो है छोटा हो गया, देखिए पूरा का पूरा एकदम छोटे की तरह चल रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर आप अपना डिस्प्ले छोटा करना चाहते हैं अपने स्क्रीन को तो आप छोटा करके चला सकते हैं। ठीक है, अब बड़ा करने के लिए फिर से रिटर्न टू फुल स्क्रीन पर क्लिक करना है। ठीक है, तो मैंने इस पर क्लिक किया तो ये फिर से बड़ा हो गया। फिर से आपको छोटा करना हो तो आप तीन बार होम बटन को दबा सकते हैं। तो दोस्तों ये पहला सेटिंग हो गया। चलिए दोस्तों दूसरे सेटिंग की ओर चलते हैं। तो फिर से आपको मोबाइल सेटिंग ऑन करना पड़ेगा। मोबाइल सेटिंग ऑन करने के बाद आपको जाना है लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी के अंदर। ठीक है, इसके अंदर जाने के बाद आपको जाना है सिक्योर लॉक सेटिंग के अंदर। इसके अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है ऑटो फैक्ट्री रीसेट, ठीक है, इसको आप ऑन कर दीजिएगा। ऑन करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर आपके फ़ोन को कोई 15 बार अगर पैटर्न खोलता है, लॉक खोलता है और गलत 15 बार एंटर कर देता है तो आपका फ़ोन जो है रिसेट हो जाएगा। तो मेरे को ये अभी सेटिंग का ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके फ़ोन में आपको लगता है कि आपके फ़ोन में कोई इंपॉर्टेंट डाटा है और कोई इसको खोल ना पाए तो आप इस सेटिंग को ऑन कर सकते हैं। तो 15 बार कोई गलती से कोड एंटर करेगा 15 बार तो आपका फ़ोन जो है ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगा और पूरा डाटा को ख़त्म हो जाएगा। तो ये दूसरा सेटिंग हो गया। तो चलिए मैं बताता हूँ तीसरा सेटिंग कौन सा है। तो तीसरा सेटिंग ऑन करने के लिए मैं बताता हूँ आपको कहाँ जाना है। आपको जाना है जनरल मैनेजमेंट, ठीक है, इसको आपको ऑन करना है। उसके बाद आपको जाना है लैंग्वेज इनपुट, ठीक है, इसके अंदर जाने के बाद आपको दिख रहा होगा सैमसंग कीबोर्ड, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे जाइए, उसके बाद यहाँ पर लिख रहा है कीबोर्ड लेआउट, ठीक है, इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे मेरा जो कीबोर्ड है आ गया। तो आप चाहें तो अपने कीबोर्ड को छोटा कर सकते हैं, तो मैं छोटा करके अपने कीबोर्ड को दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मेरा कीबोर्ड है वो छोटा हो गया। और एक और फीचर आपको दिखा देता हूँ, अल्टरनेटिव करेक्टर, ठीक है, इसको ऑन करिएगा। तो देखिए ये जितने भी वो माइनस प्लस के होते हैं सारे का सारा ये कीबोर्ड पर डायरेक्ट आ गया। तो इसको दबाई रखिएगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर लिख जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं अपने फिर से कीबोर्ड का बड़ा कर लेता हूँ, इसको फिर से आप बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे फीचर होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी तो इतना ही मैंने आपको बता दिया, आगे भी बढ़िया बढ़िया सेटिंग लेके आऊँगा। अगर आपको ये कीबोर्ड छोटा करना है तो आप सिंपली छोटा कर सकते हैं, तो अभी तो मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर आपको करना हो तो कर सकते हैं अल्टरनेटिव करेक्टर, तो इसको आप ऑफ़ कर दीजिए, अगर अच्छा लगे तो आप ऑन करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इतना ही वीडियो था। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है। चलिए दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।